गॉड, टेल मी मैं कैसा लग रहा हूँ? ओह, लेट्स सी नाउ. अमेजिंग, हैंडसम, एक्सीलेंट, लवली. वेयर आर यू? वेल. ओ कम ऑन नाउ यार, स्पीक अप यार. अरे किसी दूसरे की तारीफ करने में तुम्हारा कद, हाइट छोटी नहीं हो जाएगी. अपने मनपसंद सुपरस्टार्स को याद करो और मुझे बताओ कि कौन मेरे जैसा लगता है. क्लाउन. यस. यू मीन टू से क्लाउन? जोकर क्लाउन? या. ओके. खाली तुम्हारे नाक पे एक टमाटर लगा दो. ओके. अगर मैं क्लाउन जैसा लगता हूँ तो मेरी शादी सर्कस का वो शो होगी जिसमें एक पहिए पे बैठकर एक व्हील पे बैठकर तुम सभी लोगों का दिल बहलाओगी. आई एम अ मंकी. एनीवेज यार, अरे गलती तुम्हारी नहीं है, मैं ही बेवकूफ हूँ. आखिर मैं ये सवाल तुमसे क्यों कर रहा हूँ? मुझे ये सवाल चार्मिंग से करना चाहिए. After all, she's the one whom I'm getting married to, right? I'll call her and ask her. Okay. Hello. Hello. हाँ चांदनी, मैं योर लव. हाय. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ये सूट में कैसा लग रहा हूँ? क्या? स्टुपिड, वो तुम्हें देख नहीं सकती. ओ गॉड, I'm so sorry चांदनी. अरे मैं कैसा पागल आदमी हूँ, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं. I'm sorry to disturb you, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ. एक्चुअली क्या, शादी की एक्साइटमेंट में मैं जरा शम्मी कपूर बन गया था. हेलो. होता है, बड़ों से गलती होती है. हाँ, क्लाउन. क्यों बेटा, किसका फोन था? जल्दी हो सके अमन से मिलने की कोशिश करो, और अगर हो सके ना तो. हाँ, मैं तुमसे क्या कह रहा था. हाँ देखो चांदनी, तुम अपनी शादी पर वैसी ड्रेस पहनना जैसे कि भाभी ने अपनी शादी पर पहनी थी. हाँ, और अन्नू भी वैसा ही सूट पहनेगा जैसा कि केदार भाई साहब ने पहना था, ठीक है ना चाचा? मुझे कुछ देर चांदनी से अकेले में बात करनी है. हाँ क्यों नहीं, वैसे मुझे पान की भूख लगी है, पान लेकर अभी आता हूं मैं. चांदनी, आज तक सिर्फ एक बार रोया हूं मैं, पता है कब? जब मैंने आपकी छोटी कार तोड़ी थी. बहुत बुरा लगा था मुझे, मना किया था मैंने तुम्हें कि मत छुओ उसे. शायद इसीलिए उस कार को तोड़ने में मुझे बहुत मजा आया था. और आज इतने सालों बाद तुमने फिर से मेरा कुछ तोड़ा है चांदनी. चांदनी, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं. मेरी इकलौती बहन है तुम, अमन को भूल जाओ उसे. क्या बात है चांदनी, इस तरह उदास क्यों खड़ी है? क्या सोच रही हो चाची?
राजेश भैया को भी नाराज नहीं करना चाहिए। वो दिन रात उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कैसे जाकर उनसे कहूं कि मैं उन्हीं से प्यार कर बैठी हूं जो आपकी जान के दुश्मन है। लेकिन चांदनी, ये सब कुछ तुमसे अनजाने में भी तो हुआ है। लेकिन चाचू, भैया ने अभी अपना सबसे अजीज दोस्त उन लोगों के साथ लड़ने में खोया है। जाहिर है उनके दिल में पाकिस्तान के लिए सिर्फ नफरत होगी। देखो चांदनी, भाई मैंने भी तो उसी लड़ाई में खोया है, और बीजी ने अपना बेटा। लेकिन आज मैं तुमसे ये तो नहीं कह रहा कि मैं वहां की हर चीज से नफरत करता हूं। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हम तुमसे भी तो प्यार करते हैं, और हमारी हर खुशी तुम्हारी खुशियों से है, और ऐसा होना भी चाहिए। चांदनी, ये ऐसा वक्त है जिसमें तुम्हें अपने आप पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा करना होगा। अगर तुमने हिम्मत हारी तो सब कुछ टूट जाएगा। देखा ना केदार भाई साहब किस तरह से जिद पकड़कर बैठे। अगर उनका बस चले तो वो आज ही तुम्हारी शादी कराकर अपने हाथ धोए। नसरीन, तुम तो जाग रही हो, मैं समझ रही थी तुम सो रही हो। जल्दी करो भाई, दूध पी लो, तैयार हो के तुम्हें रेशमा के निकाह में भी तो जाना है आज। मैंने रेशमा के लिए बहुत खूबसूरत तोहफा भी खरीद लिया है, चलो उठो। तो आप ही खुद क्यों नहीं दे देती हैं उसे? मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत ही मनहूस हूँ। नसरीन मेरी बच्ची, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने वो कह दिया तुम्हें जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन फिर भी आपने कहा, हमें चोट पहुंचाई। नसरीन बखुदा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें चोट पहुंचाने का। अब मैं भी क्या करूं बेटा, गुस्से में थी, वो अल्फाज मुंह से निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। गुस्से में क्यों अम्मी? शायद कई दिनों से आपके जहन में ये ख्याल था। नसरीन, ये तुम बहुत ही गलत इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। तुम अच्छी तरह से जानती हो कई दिनों से कितनी परेशान हूँ। अम्मी आपको क्या लगता है, सिर्फ आप ही परेशान हैं भाईजान को लेकर? अम्मी हमें भी उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी कि आपको है, लेकिन हमने तो कभी आपको मनहूस नहीं कहा। नसरीन तुम हद से गुजरती जा रही हो। अरे मैं माँ होकर तुमसे माफी मांग रही हूँ, और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। हम कुछ भी कहें तो आपको गलत लगता है, लेकिन कभी आपने ये सवाल किया है कि अमन भाईजान ने इतना कुछ कर डाला और फिर भी आपको उनकी इतनी फिक्र लगी पड़ी है? बस करो नसीन। आज आपने हमें मनहूस कहा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारा निकाह टूटने की वजह भाईजान है? नसरीन, अम्मी अम्मी आज हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस बेटी को आपने इतने इतने साल प्यार दिया, आज आप उसे इस घर से निकालने के लिए बेचैन हो गई है? नहीं मेरी बच्ची, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो पिछले इन दिनों में हम पर क्या नहीं गुजरी है। अमन का यहाँ से चले जाना, तुम्हारे अब्बू की यह हालत, तुम्हारा निकाह टूटना, और इतना सब कुछ होने के बाद अगर तुम्हारी अम्मी एक दिन के लिए टूट जाती है तो क्या तुम उसे सहारा नहीं दोगे? अपनी अम्मी को माफ नहीं करोगे? मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ बेटा, मैं बेबस हूँ, मैं क्या मजबूर हो गई हूँ।
शांति मिल गई। अच्छी लगी ना अंकल? अच्छी लगी नहीं बेटा, अच्छा लगा। You know what a sense of peace? It's fantastic, Michelle. पिछले 5 मिनट्स में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी उम्र 10-12 साल कम हो गई है। Thanks a lot, Michelle. Thank you. Thanks तो मुझे आपकी करनी है अंकल। आपको? हाँ हाँ, आपको देना चाहिए। ना आप मुझे इधर आपके घर में रहने देते, ना मैं इंडिया में रह पाती। Come on, Michelle, ये तुम्हारा ही घर है। In fact, आज के बाद तुम मेरे लिए अन्नू की दोस्त ही नहीं, और भी कुछ हो। What, uncle? मेरी गुरुआन। प्रणाम गुरुआन, प्रणाम। Bless me, master, bless me। Enough, pop, enough, उठिए। उठिए। यार तू भी। मेरी हर एक फ्रेंड के साथ अब फ्लर्ट करे बगैर रह नहीं सकते ना। चुप, चुप। अंदर जाइए। क्यों? अरे मॉम आपको बुला रही है, पता नहीं बहुत खराब मूड है, जल्दी जाइए, जल्दी आइए। She's very angry. देखा? होम मिनिस्ट्री ने पेशी पर बुला भी लिया। अरे अब जाइए ना। गो 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 गो। अरे अच्छा हुआ पॉप चले गए। मतलब? मतलब ये कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गिव मी योर हैंड। ओके ओके। नो वेट, लेट मी जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। हां ओके। नाउ मिशेल, आई नो दिस विल साउंड अ बिट अब्सर्ड। या कल रात तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं ठीक तरह से रात को सो नहीं पाया। आई स्वेयर पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा। आई मीन हियर टू देयर, या और मैंने सोचा कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा। हाँ तो क्या तुम नो 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 दिस इज नॉट द राइट वर्ड। क्या मैं हाँ क्या मैं क्या मैं सच में वो सूट पहनकर एक क्लाउन जैसा लग रहा था? ओह कम ऑन मिशेल, कम ऑन, प्लीज टेल मी, आई नीड टू नो। यू लव मी राइट? यू लव मी नो? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑफ कोर्स नॉट, आई वाज जस्ट जोकिंग। तुम जो भी क्लोथ्स पहनोगे उसी में अच्छे दिखोगे। थैंक गॉड, थैंक गॉड। आई वाज सो स्कैर्ड। आई लव यू मिशेल, आई जस्ट लव यू। गिव मी अ गिव मी अ हग। Yeah, absolutely great. You made my day. Thank you. Anu? वो मैं इंडिया छोड़ के वापस जा रही हूँ। क्या बात है भाईजान, हमारी होने वाली भाभी से बात हो रही है? नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था वो फोन चल रहा है कि नहीं। अच्छा, अरे छोड़िए ये सब बहाने, कल भी आप बताने से मुकर गए थे, आज तो आपको बताना ही होगा। हमारी भाभी से आपकी पहली दफा मुलाकात कहाँ हुई थी? बताएंगे ना, जरूर बताएंगे, किसी दिन फुर्सत से बताएंगे। अरे भाईजान मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, आप आज ही बताइए। अरे नहीं भाई, किसी दिन इत्मीनान से बैठ के बताएंगे, बहुत लंबी कहानी है। अच्छा लंबी कहानी है, तो ठीक है मैं 2-4 काम करके आ जाता हूं, तो फिर आप बताइएगा। हाँ तुम हुआ। अरे भाईजान इतना तो बताइए कि हमारी भाभी से बात निकाह तक पहुंची कि नहीं? अरे यार तुम काम तो निपटा के आओ, मैं बताता हूं ना, तुम हो के आओ। ठीक है चलो हुआ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ अमन। कौन अमन? मैं तो किसी अमन को नहीं जानती। अच्छा याद कीजिए, जमाने को प्यार में अमन मिलता है। हो सकता है आपको अमन में प्यार मिला, कुछ याद आया? यही तो प्रॉब्लम है, तुमसे बात करती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। और हम आपसे बात किए बगैर वो सब कुछ याद करते हैं जो आप भूल जाती हैं। क्या बात है,
आज तो जनाब काफी शायराना मूड में लग रहे हैं। चांदनी, क्या हम आज शाम को मिल सकते हैं? नहीं अमन, शाम को तो नहीं मिल सकती। हाँ मगर इस वक्त घर में कोई नहीं है, मैं फौरन कुछ देर के लिए आ सकती हूँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं घर से ज्यादा दूर नहीं आ सकती, जल्दी घर लौटना होगा। तो तुम बताओ कहाँ मिले? वो हमारे घर के पास जो चौराहा है वहाँ पे गार्डन है, वहीं। ओके, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ओके बाय।